पापा, भैंस के आगे बीन बजाने से क्या होता है? ओह नो! पागल हो, क्या कर रहे हो ये? बेटा ये होता है। क्यों ये बैग लेके कहाँ जा रहा है? तेरी भाभी ने मेरे नाक में दम कर रखा है। क्यों, क्या हुआ? वो रोज मुझसे 2,000-5,000 रुपए मांगती है। ओ, इतने पैसे उतारती क्या है वो? मुझे क्या पता, मैंने तो आज तक दिए नहीं। जा यार तू जा। यार मैंने सुना है स्वर्ग में पति पत्नी को साथ में रहने नहीं देते। हाँ तो पागल, तभी तो उसको स्वर्ग बोलते हैं। दरवाजा खोल रहा हूँ। दरवाजा खोल रहा हूँ। रघु, रघु, क्या हुआ रघु? पुलिस पर डालेगी मेरे को, पुलिस पर डालेगी मेरे को। क्या हुआ, क्यों रो रही है? मार्क्स कम आए। कितने आए? 88%। शर्म कर मोटी, इतने में तो दो लड़के पास हो जाएंगे। हाय रे मेरी मोटो, हाय रे मेरी मोटो, हाय रे मेरी। देखो मेरे लिए फोन हो तो बोल देना, मैं घर पर नहीं हूँ। मेरे पति घर पर ही है। मैंने कहा था ना कि कोई मेरे बारे में पूछे तो बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। शांत रहो, हर बार जरूरी नहीं कि तुम्हारा ही फोन हो। सुनो जी। हाँ जी बोलो, क्या बात है? अब आप ना बुढ़े हो रहे हो, इधर उधर ताका झाकी मत किया करो। अरे मेरी जान, कोकर कितना भी पुराना हो, सीटी मारना कभी नहीं छोड़ता। बेटा आज का आप मुझे पापा नहीं अपना दोस्त समझोगे, ठीक है? क्या हम दोस्त हैं? हाँ बेटा, अब हम दोस्त हैं। ओए दीपक, भाभी को समझा दे, बहुत डांटती है मुझे। 1, 2, 3। मुझे अपनी ये शक्ल तभी दिखाना जब तुम वो वाली गाड़ी लेके आ सको। ऐसा क्या है इस गाड़ी में? तुम सीटी बजाओगे, मुझे फोन करोगे, मेरा पीछा करोगे तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा? मुझे क्या समझा है? किसी इंगेज लड़की को कोई इस तरह से टॉर्चर करता है क्या? बात करो, समझ गया। सॉरी, मानता हूँ मेरी गलती है, मैं यहाँ पे माफी मांगने ही आया। मणि, क्या कर रही हो? सब्जी बनाने। नहीं बनेगी सब्जी, पोहे बनेंगे। क्या बनेंगे? पोहे। पोहे निकाल जल्दी। पुराने गाने सुनो तो बीवी कहती है किसकी याद में मरे जा रहे हो, नए सुनो तो कहती है बड़ी जवानी छा जा रही है, अब बंदा करे तो क्या करे। सुनो जी, आज मेरी तबीयत कुछ खराब सी लग रही है। अरे यार, मैं तो सोच रहा था आज बाहर खाना खाने चलेंगे। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मैं भी मजाक कर रहा था, उठ के रोटी बना ले, नहीं तो मुंह फोड़ दूंगा, चपेड़ूंगा मुंह पे अभी। मम्मी, बगल वाले शर्मा अंकल ने हमारे घर के सामने कूड़ा फेंक दिया। क्या? एक काम कर, उसके गेट के आगे तू भी कूड़ा फेंक के आ जा। कूड़ा तो मैंने कूड़े वाली गाड़ी में डाल दिया, मैंने कूड़े वाली गाड़ी में डाला और उन्होंने हमारे गेट पे फेंक दिया। क्या फेंकू, क्या फेंकू? एक काम कर, तू जाके उनके गेट पे मूत के आ जा। ठीक है मम्मी। अरे सुनते हो? तुमने टॉयलेट नहीं करी ना? नहीं। जल्दी जाके शर्मा के गेट के आगे करके आ जाओ। ठीक है। मम्मी, शर्मा अंकल ने पापा के पिछवाड़े पे गोली मार दी। अरे 500 रुपए दो जल्दी से। क्या करेगी 500 रुपए का? दो ना, जल्दी दो। अरे यार तू भी बहुत परेशान करती है। लो रख लो। क्या करा तूने? आपकी मौसी है ना शिमला वाली, उन्होंने अपनी बेटी की शादी का कार्ड भेजा है व्हाट्सएप पे, तो वहाँ तो हम जा नहीं सकते इतनी दूर, इसलिए मैंने 500 रुपए भेज दिए शगन में व्हाट्सएप पे। मैं बिना तुझे हाथ लगाए थप्पड़ मार सकता हूँ? हो ही नहीं सकता। लगी शर्त? हाँ चलो लगी। 10-10 की लगी। तो लग गया, तुम हार गए। ये रख ले 10 रुपया।
होता है। बेबी तुम मुझे शादी के बाद भी इतना ही प्यार करोगे? मैं तो तेरे को इससे भी ज्यादा प्यार करूंगा। ओ सो स्वीट। पर तेरे पति को बुरा तो नहीं लगेगा? हेलो बेबी कहाँ पे हो? तुम्हारे दिल में बेबी। बेबी बहुत भूख लग रही, जल्दी आओ ना। बोलो ना क्या खाओगे, मैं लेके आ रहा हूँ। आ रहा हूँ जल्दी, आ रहा हूँ यार। बेबी जल्दी आ जाओ। हाँ बिल्कुल, भाग भाग के आ रहा हूँ, भाग भाग के आ रहा हूँ, घोड़े पे आ रहा हूँ। तुम्हारे प्यार में ही पागल है वो, तुम्हारे प्यार में ही पागल है। हाँ मत छोड़ो उसको, कभी पकड़ के रखो हमेशा। क्या है क्या है, आप उधर जाके बात कर लो, मैं मेरी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ। तो जाइए आप उधर। हाँ बेबी पता नहीं कौन पागल थी। कौन? मैडम आपका पार्सल। कितना हुआ? मैडम आपका हो गया 129 रूपए। वापस कितना देना है? अरे 21 दे दो। अच्छा ठीक है। साले दरिंदे, देखो मैंने 21 रुपए बोली, 21 नहीं बोली। निकल यहाँ से। एक्सक्यूज मी, आई लव यू। आई लव यू टू, आई लव यू टू। यार ये पप्पी पप्पी तू चाहे चार ले ले, लेकिन ये गुस्से में घूरा मत कर, अच्छा नहीं लगता मुझे। चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। हाँ हाँ चलो, लेकिन ड्राइविंग मैं करूंगी। वाह, मतलब जाएंगे कार में और आएंगे कल के अखबार में। बेबी तुमको सबसे ज्यादा याद कब आती है मेरी? जब मम्मी मुझे कहती है बेटा जल्दी शादी कर ले, काम वाली के पैसे बच जाएंगे। नो 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 नो, मेरा मुर्दा निकल गई, मेरी जबान टूट गई। आपका दोस्त अभी है। हेलो हेलो भाई, कहाँ है? मैं तेरी भाभी के साथ। कौन से वाली? तुम रोज मेरा पीछा करते हो ना, तुम्हें पता नहीं है आज पीछे मेरी माँ आ रही है। तू टेंशन ना ले जाने मन, हम भी खानदानी आशिक हैं, तेरी माँ के पीछे मेरा बाप आ रहा है। अबे यार तू रो क्यों रहा है? अबे यार आज तक ना मैंने कभी किसी लड़की को किस नहीं किया। ले तू मुझे किस कर ले, लेकिन रो मत। तू हंस क्यों रहा है? मैंने ना रो रो के पूरे मोहल्ले की लड़कियों को किस कर लिया। हेलो, मैंने तुम्हारी बीवी किडनैप कर ली है, 5 करोड़ रुपए चाहिए और सबूत के तौर पे उंगली काट के भेज रहा हूँ। हेलो, हम छोटे मोटे सबूत पे विश्वास नहीं करते, मुंडी काट के भेजो। जानू एक काम करो, अपने भाई से बोल दो ना कि 2-4 दिन और रुक जाए। क्यों इतना प्यार करते हो मेरे भाई से? अजय मेरा घंटा प्यार वैर साड़ी, मेरी भैंस का बच्चा मर गया है, तेरा भाई काला है ना, साड़ा रुक जाएगा तो कम से कम उसको देख के दूध तो देती रहेगी। ए रुक 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 रुक, चल हेलमेट दिखा, हेलमेट दिखा, बता हेलमेट क्यों नहीं पहना? हेलमेट दिखाई, लेकिन तू लोग के हो लो? हम लोग पुलिस हैं, हम आज ड्रेस में इसलिए नहीं आए क्योंकि साला हमें दूर से ही देखकर लोग गाड़ी घुमाकर भाग जाते हैं। चल बता हेलमेट क्यों नहीं पहना? घर छूट गई हो? अच्छा घर पे छूट गया है। हवलदार जी सर, इसका 10,000 का चालान काट दो। इंस्पेक्टर साहब हमरे को छोड़ दी, हमारे 10 गो लड़का 12 साल। ओ तेरी माँ की, 10 बच्चे हैं। हवलदार इसका चालान मत काटो। क्यों सर? इसको जेल में लेकर के चलो, मुझे लगता है कि इसका कुछ और ही काटना पड़ेगा। जानू अपने मोबाइल का पासवर्ड बताओ। पहले चुम्मा दे। अबे बेवकूफ औरत, पहले चुम्मा दे, ये पासवर्ड है, जब देखो जब चुम्मा चाटी। क्या तुम्हें मैं किस कर सकता हूँ? मन तो मेरा भी है, पर ये सब शादी से पहले नहीं। अरे यार तू टेंशन मत ले, मैं शादीशुदा ही हूँ। हाय प्रीति, कैसी है? अच्छी हूँ, पीछे कौन है? ये मेरा भाई है, कुछ बोलना। आई लव यू।
तुम हमारी बराबरी क्या करोगी लड़कियों, जिस शैम्पू से तुम नहाती हो उस शैम्पू से हम अपनी बाइक धोते हैं। बेबी तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम शादी के बाद भी मुझसे ऐसे ही प्यार करती रहोगी। अरे तो मुझे कहा पता था कि शादी भी तुमसे ही आ जाएगी। तुम याद रखना कहीं भूल न जाना। यार एक बात बताओ। हाँ? तुम घर में सास ससुर नन देवर सबकी इज्जत करते हो, पति की क्यों नहीं करते? देखो मैं बताती हूँ, हमने घर छोड़ा तो ससुराल मिला, माँ बाप छोड़े तो सास ससुर मिले, बहन छोड़ी तो नंद मिली, भाई छोड़ा तो देवर मिला, ऐसा क्या छोड़ा जो पति मिला? कुछ भी नहीं, तो मुफ्त में मिली चीज की इज्जत करता कौन है? अरे भाई साहब। हाँ जी। ये बुलेन सर कहाँ है? बुलेन सर भाई साहब वहीं होगा जहाँ होना चाहिए। मेरा मतलब भाई साहब ये रास्ता कहाँ जा रहा हो? रास्ता कहीं ना जा रहा तो जाना पड़ेगा। अरे भाई साहब तुम तो मजाक कर रहे हो। अगर मजाक को तुम मेरी साली लगे। यार मैं बहुत परेशान हूँ। तो परेशान है तो दवाई ले ले कहीं जाकर डॉक्टर पास। यार सही सही बता दो बुलेन सर जाना मो। भैया मैं ना जा रहा, तू ही चला जा। बहुत बड़ी खबर आ रही है, 40 दिन के इस लॉकडाउन में जिस पति की अपनी पत्नी के साथ लड़ाई नहीं हुई सरकार उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित करेगी। काहे रो रहे हो? अरे यार मेरे घर वाले कहते हैं शादी कर लो, मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों? जिसके साथ में मेरी शादी हो रही है उस लड़की को पूरे गांव वाले टैक्सी कहते हैं। अरे यार कर लो, छोटा सा गांव है, कितनी चली होगी तेरी टैक्सी। अरे मैडम जी जरा अपनी साड़ी ऊपर कर लो, मेरे को फोटो लेनी है। क्या बोले हरामखोर कुत्ते कमीने। अरे मैं इसकी बात कर रहा हूँ मैडम, तुम्हारे पैरों के नीचे गिर गई थी। वाह वाह, मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। और तू, तेरे को ये आईफोन एक्स मैंने दिलाया, ये गोल्डन झुमके मैंने दिलाए, और तू ऐसी शकल वाले से प्यार कर गई, ऐसी इस केकड़े वाले शकल की, और तूने उसके मुझे छोड़ दिया। रो भाई उसका, भाई उसका। अगला मुजरिम पेश किया जाए। अरे क्या हो गया भाई, क्यों रो रहा है? जज साहब गलती से मैंने मेरे पड़ोसी को नहाते हुए देख लिया। और ये तो बहुत खतरनाक जुर्म है भाई, तू क्या चाहता है? जज साहब बदला। बेबी मुझे 30 दो ना। बेबी मेरे पास तो नहीं है। भाई जा एक काम कर, इसको साइड में ले जाके 30 दे दे। चलो चलो। अबे तेरी बीवी तो तोतली है ना। हाँ तो 30 नहीं। बेबी चलो अपन बाहर घूमने चलते हैं। बाहर घूमने चले चले चले। क्या हुआ? मेरे पास कपड़े ही नहीं है पहनने को। कपड़े नहीं है? मुझे पता था बेबी तुम्हारी ये बात। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ओ वाह, मुझे यही कपड़ा चाहिए था। फेवरेट कलर है ना तुम्हारा? फेवरेट फेवरेट है ना, ये तुम्हारे कबर्ड से निकाल के लाया हूँ। अरे सुनो। हाँ जी। आज वो सामने वाली पड़ोसन ना आपके बारे में पूछ रही थी। अच्छा क्या कह रही थी? यही कह रही थी कि आजकल भैया नजर नहीं आ रहे। तुझे पक्का याद है उसने मुझे भैया ही कहा था? ऐसा तो मुझे याद नहीं है। आयोग मां।